हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बात करूंगी अपने फेवरेट टॉपिक लो कॉस्ट या नो कॉस्ट गार्डनिंग का। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कैसे मैं सीड सब कलेक्ट करके रखती हूँ, और देखिए सब पौधे मेरी जो हैं सैपलिंग्स जो हैं ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो आज मैं इनका करूँगी ट्रांसप्लांट। तो ये तो मेरे सारे पौधे आप देख रहे हैं, ये सब फ्री में मैंने तैयार कर लिए लास्ट ईयर बीज कलेक्ट करके। तो नास्ट्रेशियम, कैलेंडुला, डेजी, पेंजी, मार्गरेटा डेजी और होली हाउस, तो इन सब प्लांट्स को तो मेरे को ख़रीदने की सार ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा एस्टर, सिनेरेरिया, जितने भी जो प्लांट्स मुझे और अभी लगाने हैं ना, तो वो मैं लेके आई हूँ सैपलिंग्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए कैलेंडुला की कितनी सारी फ्री में मेरी पौध बन के तैयार हो चुकी हैं, तो इनका भी मैं करूँगी ट्रांसप्लांट। सॉइल हल्की सी मॉइस्ट रहे, फिर धीरे धीरे करके आप अपनी एक एक सैपलिंग्स को बिना रूट डिस्टर्ब किए इस तरह से निकाल लीजिए। किसी भी छोटी सी खुरपी या आप छोटी सी शार्प से अगर आपके पास स्पून हो तो स्पून की मदद से उठा लीजिए, तो और अच्छे से उठ के आता है। तो आप इस तरह से ये देखिए डेजी, तो मैं अब इन सबको क्या करूँगी ट्रांसप्लांट। तो इसके लिए क्या है, जो सॉइल मिक्सचर है पोरस वेलड्रेन होना चाहिए। तो सॉइल मिक्सचर का वही है 1:1 का रेशियो है, और सॉइल मिक्सचर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस इस तरह से मैंने सब गमलों में भर के तैयार कर रखी है मिट्टी। अब धीरे धीरे मुझे बस अपने ये जो सैपलिंग्स हैं इनको ही ट्रांसप्लांट करना है। देखिए धीरे धीरे करके और टाइम टू टाइम पे अपनी सभी सैपलिंग्स की पिंचिंग करते रहिए, जिससे क्या होगा वो बुशी बनेंगी और हैवी फ्लावरिंग होगा। और सबसे मेन, थोड़ा वेट कीजिए, सब में हैवी फ्लावरिंग होगी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल सकता है, लेकिन तब आपके को बाद में जाके उसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी सॉइल को भुगतने होंगे। तो आप ये देखिए इस तरह से ही मैं कॉम्फ्रेना हो गया, कैलेडुला हो गया, ये सारे प्लांट्स एक ही बार में किसी से या तो पड़ोस में से लेके आई थी या ख़रीदे थे, लेकिन मैं उन्हें बार बार अब नहीं ख़रीदती हूँ। ये देखिए ये है कॉस्मोस के सीड्स। बस इस तरह से आप सीड्स कलेक्ट करते रहिए और फ्री में अपना गार्डन सजाते रहिए। चलिए अब मैं बात करती हूँ लो बजट में अपना गार्डन सजाने के लिए। तो मैं परचेज़ करती हूँ ये सैपलिंग्स, देखिए 10-10 रुपए में ये एक बंच मिलता है। तो इसे मैं खोल के भी दिखाऊंगी, जैसे इसमें ये एस्टर वगैरह हो गया जो मैं ख़रीद के लाई हूँ। ये देखिए ये है वर्वीना, तो इसको मैं आपको अभी खोल के दिखाऊँगी। ये एक जो आप देख रहे हैं ना बंच, वो 10 रुपये में मिला है, और इसमें कम से कम 100 प्लांट्स आपको मिलेंगे ही। इसका मतलब 1 रुपये में एक पौधा बन के तैयार हो जाएगा। कई बार बस ये होता है कि एक ही कलर के सारे फूल निकल गए, लेकिन फिर भी आप जब 10 रुपये में इतने सारी पौध तैयार कर रहे हैं और 20 रुपये में दो तरह के पौधे ला रहे हैं, तो दोनों तो डिफरेंट कलर के होंगे ही। तो बस आप इस तरह से मैं पौध खरीद के लाती हूँ, और मैंने सॉइल भर के पहले से पानी दे दिया है अपने इस फ्री के ग्रो बैग में। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, राइस बैग्स में सब कलेक्ट करके रखती हूँ। और बस इस तरह से एक एक अपनी सैपलिंग्स लगा दूँगी, क्योंकि आपने ये देखा ये जितनी भी सैपलिंग्स हैं इनकी रूट्स पूरी सॉइल से बाहर निकाली हुई है। तो आप जब भी इनको ट्रांसप्लांट करें, लगभग 3 से 4 दिन तक आप इनको शेड में रखिए। फिर 3-4 दिन के बाद इनका पोजीशन सेट कर ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ इन्हें धूप मिले। और इसके साथ साथ बहुत सारी पौध मैं इस तरह से अपने ये बचाए हुए जो जिसमें पौध लगी मिलती है, मैं उनको भी कलेक्ट करते रहती हूँ, उनमें लगा दूँगी। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैंने ज़मीन में लगा देती हूँ। तो जो मेरे ज़मीन में पौधे ग्रो होते हैं वो पहले मैं इसमें लगा के छोटी छोटी अपनी सैपलिंग्स फिर ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं फ्री में बिल्कुल कम बजट में अपना जो है विंटर गार्डन तैयार कर लेती हूँ। इस बार भी मैं शेयर करूँगी, और लास्ट ईयर की जो क्लिप है मेरे पास वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कम खर्चे में और बिना खर्चे में मैं अपना गार्डन तैयार करती हूँ। और ये देखिए अपना सारा गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट को डालकर, जितने भी किचन वेस्ट निकले, मैं अपनी एक पुरानी ये जो पानी की टंकी है कूलर की, उसमें अपनी बहुत सारे विंटर के फूल लगाती हूँ। बस इस तरह से कम सॉइल में, कम खाद में, फ्री में जो, या ये अगर आप सैपलिंग्स खरीद के ला रहे हैं छोटी छोटी पौध, तो कम खर्चे में आपका
फर्स्ट क्लास विंटर गार्डन, वो भी पॉट्स भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने बचाए हुए चावल के बैग, आटे के बैग, इस तरह से आपके घर में जितना भी कोई ऐसा वेस्ट हो जिसमें आप सॉइल फिल कर सकते हैं, तो उसमें अपना गार्डन बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी सैपलिंग्स मैंने अपनी इस कूलर की टंकी में भी लगा दी हैं। बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिए, पानी तभी दीजिए जब ऊपर की सॉइल ड्राई आपको नज़र आए, और थोड़ा सा इस समय फंगस वगैरह का ध्यान रखिए। और ये देखिए मेरा विंटर का गार्डन का लुक, इसमें से ये सारे जितने भी पौधे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉग फ्लावर्स, पेपर फ्लावर, ये सब मेरे या तो सैपलिंग से ग्रो हैं या मैं इसी तरह से बीज से ग्रो करती हूँ हर साल। तो कम खर्च, मात्र 150-200 रुपए में ही मेरा पूरा विंटर का गार्डन बन के तैयार हो जाता है, और बहुत सारी पौधे, और मैं काफ़ी सारी बांट भी देती हूँ आसपास में लोगों को। तो इसी तरह की और टिप्स को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे मेन जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, सिर्फ ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, प्रकृति का चमत्कार देखिए। जैसे ही एप्रोप्रिएट टाइम यानी कि वेदर कंडीशन अनुकूल आती है, हैवी फ्लावरिंग होती है, आपको इतने सारे फूल खिलेंगे आपके गार्डन में कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा।